हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में अगेन हम कॉस्ट अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 सीखने वाले हैं, जिसका नाम प्रोसेस कॉस्टिंग 1 है। ये चैप्टर का ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो में मैंने आपको जो सम सॉल्व करवाया था वो था 2014 का, जिसका नाम हितेश लिमिटेड था। वो सम्स मैंने पूरा कंप्लीट आपको सम्स कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। तो आज के वीडियो में अब एक और नया सम्स की ओर सीखने वाले हैं। जो नया सम्स होने वाला है वो है 2009 का सबसे गुजरात 2009 का, और क्वेश्चन नंबर है 24। यही सम्स 2018 में पूछा गया, 2018 में भी यही सम्स पूछा गया, सेम टू सेम यही एग्जम्पशन है और यही सम है। तो इसी साथ दो सम्स हो जाएंगे, 2018 का 2009 का सेम ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले से लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता रहेगा फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखना है। स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस ए बी और सी, तीन प्रोसेस दी गई है और यहाँ पर एक न्यू हमको एक एजम्पशन दिया गया। पहले एजम्पशन रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा गया है प्रोडक्शन ओवरहेड वर 60,000 विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल द थ्री प्रोसेस इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो सबसे पहले जो प्रोडक्शन का ओवरहेड दिया गया, टोटल कितना दिया गया है 60,000, उसको हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डायरेक्ट लेबर के। तो सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं कि तीनों प्रोसेस में जो है प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आएगा। तो जो प्रोडक्शन ओवरहेड है उसकी अमाउंट टोटल दी गई है 60,000, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में करना है, डायरेक्ट लेबर के। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, डायरेक्ट लेबर ये रहा। तो डायरेक्ट लेबर की अमाउंट पहले प्रोसेस में 30,000 है, फिर 40 है, फिर 50 है। तो रेशियो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, 3:4:5, वो कॉमन करके हमने फाइंड आउट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोसेस ए में, बी में और सी में। तो 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये डायरेक्ट लेबर के रेशियो में। तो देखिएगा, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, पहले के लिए 3 है, डिवाइड में टोटल कितना हो गया 12, 3:12, सेकंड के लिए 4:12, थर्ड के लिए 5:12। तो डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे पास जो आंसर आएगा, पहले प्रोसेस में 15,000 का हो जाएगा, सेकंड प्रोसेस में 20,000 का प्रोडक्शन, और थर्ड प्रोसेस में हो जाएगा 25,000 का प्रोडक्शन। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया प्रोडक्शन डायरेक्ट लेबर के अकॉर्डिंग। ओके, याद रखिएगा डायरेक्ट लेबर के अकॉर्डिंग। अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट प्रोसेस नंबर ए में, जो जो वैल्यू दी गई उसके अकॉर्डिंग। तो प्रोसेस ए में सबसे पहले क्या दिया गया है, यूनिट इंट्रोड्यूस दिया गया है। कितना दिया गया है, यूनिट 1000, और उसके नीचे उसका कोस्ट दिया गया है 50 रुपीज। तो इसकी एंट्री करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो डेबिट सेट करने का हमको, यूनिट इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस यूनिट दिया 1000, और उसका प्राइस कितना दिया था पर यूनिट का 50 रुपीज, राइट। तो ये अमाउंट हो जाएगा 50,000, 1000 यूनिट और अमाउंट हो गया 50,000 इंट्रोड्यूस यूनिट। उसके आगे बढ़ते हैं। अब गुजराती मीडियम के लिए मैं समझा दूं, इसको बोलेंगे हम दाखल एकम, राइट। उसके बाद मैं बात करता हूं, उसके बाद दिया गया है हमारे लिए एक्सपेंसेस दिया गया है, डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का 20, 30 और 5000। तो तीनों एक्सपेंसेस का लिखने का हमको डेबिट साइड लिखने का, डायरेक्ट मटेरियल माल सामान, फिर डायरेक्ट लेबर मजूरी, फिर दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चा। अमाउंट डायरेक्टली दिया हो गया, जो अमाउंट भी लिख दिया 20,000, 30,000, 5,000। अब देखिए, ऑलरेडी हमने प्रोडक्शन का निकाला था, राइट ना, उसका फर्स्ट प्रोसेस में कितना था 15,000, तो वो भी हमें यहाँ ऐड कर देना है, प्रोडक्शन का एक्सपेंसेस ऐड कर देना है, उत्पादन का खर्चा जो पहले प्रोसेस में कितना था 15,000। ओके, उसके बाद की इंफॉर्मेशन देखिए क्या दी गई है, यहाँ पर दिया गया एक्चुअल प्रोडक्शन दिया गया कितना है 920। तो ये एक्चुअल प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर टू अनदर प्रोसेस भी बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो मैं इस बार ऐसा लिख के दिखाता हूँ, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, बीजी प्रक्रिया खाते ले गया, ये नाम लिखा जाता है। कितना दिया था 920। अब इसकी अमाउंट पर यूनिट अभी दी गई नहीं है, जो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा जो लास्ट में निकलेगा कि पर यूनिट इसका प्राइस कितना है, वही मेन टॉपिक है। उसके बाद दिया नॉर्मल वेस्टेज कितना परसेंट है, 10%। तो ये नॉर्मल वेस्टेज निकल के आएगा बाहर 10%, सामान्य बगाड़। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कितना है 1000, इसका कितना परसेंट बोला गया है 10%, तो 1000 का 10% कितना हो गया 100 यूनिट, राइट। उसका प्राइस भी दिया गया नीचे 30 रुपीज सेलिंग प्राइस दिया गया, तो इसका 30 रुपीज से इंटू करेंगे तो 100 इंटू 30
तो हो गया 3000 इसका अमाउंट हो गया। ओके, अब इस प्रोसेस में चेकआउट करना है कि एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल गेन निकलेगा। तो सबसे पहले यूनिट चेक कीजिए, ये क्रेडिट साइड यूनिट 100 और 920 तो टोटल हो गया 1020 और यहाँ पर हमारे पास इंट्रोड्यूस ओनली कितना था 1000 तो यहाँ पर बचा 20 यूनिट। अब यहाँ बचा तो इसको नाम क्या देते हैं हम लोग, एबनॉर्मल गेन देंगे, बन असामान्य वधारो। लेकिन वहीं पर डेबिट साइड क्रेडिट साइड बचा होता तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज, असामान्य बगाड़। अब इसका भी प्राइस हमको निकालना पड़ेगा, राइट। तो मेन टॉपिक यही है कि हम प्राइस निकालेंगे, जो प्राइस दोनों के लिए यूज होगी वो कैसे आएगा, उसको बोला जाता है सामान्य पड़तर, नॉर्मल कोस्ट। तो ये कैसे आता है मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल आप ऐड कीजिए एक्सपेंसेस, सारे खर्चों को जोड़ दीजिए। तो 50 + 20 + 30 + 5000 + 15000 तो सारा प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1,20,000। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसी में माइनस करना है जो आपको नॉर्मल वेस्टेज था ना, उसका जो पैसा मिला है कितना मिला है 3000, वो माइनस में होता है। और सेंड टू सेम वही, इसका यूनिट कितना था 1000 और इसका कितना था 100, तो 1000 - 100 तो आपका आंसर यहां पे आ जाएगा 1,70,000 / 900। तो आपका पर यूनिट आ जाएगा 130। ये आपका आ गया नॉर्मल कोस्ट जो इस्तेमाल होगा ट्रांसफर के लिए भी बिजी प्रक्रिया खाते, और हमारा एबनॉर्मल गेन के लिए भी यही इस्तेमाल होगा 130। तो इसका अमाउंट बन जाएगा 1,19,600 और 20 से इंटू करेंगे तो 2,600। अब जो एक्सपेंसेस का टोटल होगा वो इक्वल होगा, राइट ना, 1,22,600 ये प्रोसेस हो गई कंप्लीट। मेन टॉपिक क्या था, इसका पर यूनिट कैसे निकाला गया, वही मेन टॉपिक था, और एबनॉर्मल गेन निकला इसके अंदर। अब इसमें सबको क्या बनाना पड़ेगा, एबनॉर्मल गेन का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो एबनॉर्मल गेन का अकाउंट हम क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले उसके अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करनी है हमको। तो देखिए यहाँ पर डेबिट साइड कितना 20 और इसकी अमाउंट थी 2600, तो डेबिट का तो यहाँ क्रेडिट से लिखना पड़ेगा। और कहाँ से लाया हम, प्रोसेस ए से लेके आए, राइट ना, 20 यूनिट था और 2600 उसका अमाउंट था। अब यहाँ पे हमको कैश लिख कर उसका कितना अमाउंट निकलेगा, तो 20 का इंटू किससे करने का, जो नॉर्मल का वेस्टेज जो प्राइस होगा उससे करना है, कितना 30, तो 30 से इंटू करके कितना अमाउंट आएगा 600 आ जाएगा, राइट ना। तो बाकी जो अमाउंट बचा ये 2600 में से 600 माइनस करेंगे तो 2000 जो अमाउंट आएगा ये जाएगा पीएनएल अकाउंट में, और इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, जाएगा प्रॉफिट का आ जाएगा। ये हो गया प्रोसेस ए का काम फिनिश। अब सेम बनाएंगे प्रोसेस नंबर बी, तो प्रोसेस बी की इंफॉर्मेशन भी सेम टू सेम ही होने वाली है, राइट। तो सबसे पहले हमको जो इंट्रोड्यूस था उसकी अमाउंट आगे कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, जो यहाँ का जो ट्रांसफर था वही वहाँ का इंट्रोड्यूस बन जाएगा। जो 920 यूनिट दी गई है उसका 1,19,600 अमाउंट दिया गया है, जो हम कहाँ से ला रहे हैं, प्रोसेस ए से ला रहे हैं। हमारा इंट्रोड्यूस बन गया 920 यूनिट और 1,19,600 उसका अमाउंट। अब देखते हैं इस इंफॉर्मेशन क्या दी गई यहाँ पर, उसके बाद खर्चे दिए गए मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो तीनों खर्चे हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, मटेरियल का एक्सपेंसेस यहाँ पर जो दिया 30,200, वहीं पर लेबर का एक्सपेंसेस दिया गया है 40,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया गया है 2,260। और यहाँ पर एक ऐड करना है जो प्रोडक्शन का एक्सपेंसेस जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करके निकाला था, जो प्रोसेस बी में कितना है 20,000, ये हमें ऐड कर देना है, राइट ना, ये भूलना नहीं है। ओके, उसके बाद की इन्फॉर्मेशन चेकआउट करते हैं क्या दी गई है। अब दिया गया है एक्चुअल प्रोडक्शन कितना दिया गया है 870, तो इसकी यूनिट हमको पहले से दी गई है एक्चुअल, इसको हम ले जाएंगे ट्रांसफर करेंगे, जो सेकंड प्रोसेस आएगी ट्रांसफर टू सी, दिया गया है 870। अब इसका प्राइस दिया गया भी नहीं है पर यूनिट, जो हमको फाइंड आउट करना है यही सबसे मेन टॉपिक है। उसके बाद क्या दिया, 5% नॉर्मल वेस्टेज दिया गया, उसका अमाउंट भी दिया गया 50 पर यूनिट। तो पहले 5% फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल वेस्टेज, तो इंट्रोड्यूस कितना है 920, उसका कितना निकालने का 5%, तो कितना आएगा 46 यूनिट आ जाएगा। और 46 यूनिट का प्राइस कितना रखा गया सेलिंग 50 रुपीज, तो उसका टोटल इंटू करने पर आएगा 2300। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। हमें क्या करना है, पहले पता करना है इसमें एबनॉर्मल गेन हो रहा है कि वेस्टेज हो रहा है। तो इस बात देखिए डेबिट साइड की यूनिट ज्यादा है, तो 920
इसमें से माइनस करेंगे 46 और 870 तो आपको यहाँ पर 4 यूनिट बचेगी। और तो यहाँ बचा तो उसके क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल वेस्टेज कहा जाएगा, राइट। जैसे प्रोसेस ए में एबनॉर्मल गेन मिला था, यहाँ पे मिला एबनॉर्मल वेस्टेज। अब इसका भी प्राइस हमें फाइंड आउट करना रहेगा, जो ट्रांसफर का होगा वही एबनॉर्मल वेस्टेज का होगा। तो वैसे हमको फाइंड आउट करना, जैसे प्रोसेस ए में क्या था, तो सबसे पहले क्या करना है, सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर देना है। तो सारे एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे तो मिलेगा 2,12,060। माइनस क्या करने का, जो नॉर्मल वेस्टेज का जो प्राइस मिला है सेलिंग का वो, ओके। और डिवाइड में वही इसका यूनिट इंट्रोड्यूस का माइनस नॉर्मल वेस्टेज का यूनिट, तो यहाँ पे आपका आंसर माइनस करके मिल जाएगा और डिवाइड में यूनिट आएगा 874 और फाइनल डिवाइड करके आपका पर यूनिट प्राइस बन जाएगा 240। ये 240 अपना एबनॉर्मल वेस्टेज में यूज होगा और वही ट्रांसफर में भी यूज होगा। एबनॉर्मल और ट्रांसफर का सेम ही होता है, 4 का इनटू करेंगे 240 से तो आएगा 960 और 870 से इनटू करेंगे 240 का तो 2,08,800। अब बस अभी सब काम हो चुका है तो हमारा एक्सपेंसेस जो होगा टोटल क्या होगा, इक्वली होगा 2,12,060। यहाँ पर भी 2,12,060, तो ये प्रोसेस हो गया अपना यहाँ पर भी कंप्लीट। मेन टॉपिक का 240 कैसे फाइंड आउट किया है वो। अब सेकंड इसमें से क्या निकला, एबनॉर्मल वेस्टेज निकला, तो एबनॉर्मल वेस्टेज का आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसकी अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये क्रेडिट साइड है, राइट। तो कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, प्रोसेस बी से इसकी 4 यूनिट था और अमाउंट था 960, राइट। अब क्रेडिट साइड लिखना है हमें कैश 4 यूनिट और 4 यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, जो नॉर्मल का होता है ऑलवेज वही आता है। नॉर्मल का कितना था, 50 था, तो इसका भी 50 ही आएगा। तो टोटल कितना हो गया 200। तो बाकी बचा अपना इस बार क्या होगा, लॉस होगा, यहाँ पर लॉस माना जाएगा 760। ये पीएनएल अकाउंट में जाएगा और लिखना है हमारा लॉस। ये भी हुआ कंप्लीट, प्रोसेस नंबर बी पूरा हुआ। लास्ट प्रोसेस सी की बात करते हैं, ओके। तो प्रोसेस सी की इंफॉर्मेशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस, तो इंट्रोड्यूस हमें पता है कहाँ से लेके आना है, जो प्रोसेस नंबर बी में जो हमारा ट्रांसफर था वही हमारा इसका इंट्रोड्यूस कहलाएगा। जो 870 है और उसका प्राइस जो मिला है वो, तो 870 इसका इंट्रोड्यूस हो जाएगा और 2,08,800 उसका अमाउंट हो जाएगा। अब बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद हमको क्या दिया गया है, एक्सपेंसेस दिया गया है, उसमें मटेरियल का दिया गया है और साथ में लेबर का। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं दिया गया, तो दोनों दिया गया वही लिखा जाएगा। मटेरियल का अमाउंट दिया गया था 34,620 और लेबर का अमाउंट दिया गया था 50,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया गया था। और एक्स्ट्रा जो हमने फाइंड आउट किया था प्रोडक्शन, वो हमें ऐड करना रहेगा। जो प्रोसेस में कितना आया था, थर्ड वाले में 25,000 आया था प्रोडक्शन का, तो वो हमें ऐड करना नहीं भूलना है 25,000। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब हम क्या दिया, एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पे भी दिया गया 800, तो ये हमारा ट्रांसफर ना बनके अब क्या बनेगा, यहाँ पर फिनिश बन जाएगा क्योंकि आगे कोई प्रोसेस नहीं है। फिनिश स्टॉक जो कितना दिया था 800 यूनिट। अब इसका प्राइस मिसिंग है जो हमें फाइंड आउट करना है, मेन टॉपिक यही है सम्स के अंदर। उसके बाद क्या दिया, नॉर्मल वेस्टेज कितना परसेंट है, 10% और इसका प्राइस कितना दिया गया है सेलिंग का 60 रुपीज। तो यहाँ नॉर्मल वेस्टेज फाइंड आउट करेंगे 10%, तो 870 का 10% 87 हो जाएगा और इसका प्राइस कितना दिया गया है 60, तो 60 से हम क्या करेंगे इंटू कर देंगे, तो इंटू करने पर आ जाएगा 5,220, ओके। बस इन्फॉर्मेशन फिनिश हो चुकी है, हमें क्या फाइंड करना है, एबनॉर्मल वेस्टेज या गेन है। तो इस बार यहाँ पर देखिए, चेकआउट कीजिए, यहाँ क्रेडिट साइड यूनिट ज़्यादा है 887 और यहाँ 870 है, तो कितना बचा, रिमेमिंग 70 बचा, राइट ना। तो 70 जो बचा यहाँ पर, तो क्या बन जाए, एबनॉर्मल गेन बन जाएगा, राइट। यहाँ पर बचा था एबनॉर्मल गेन, यहाँ बचे था एबनॉर्मल वेस्टेज। अब सेम हमें इसका भी यूनिट निकालना है, जो हमारा प्राइस निकालना है फिनिश का और एबनॉर्मल गेन का, तो वैसे निकालना है। तो सारा एक्सपेंसेस को अगेन हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर मिलेगा 3,18,420। माइनस किसका करने का, नॉर्मल का जो हमें प्राइस मिला है वो 5,220 और डिवाइड में इसका यूनिट माइनस नॉर्मल वेस्टेज का यूनिट, तो हमें मिलने वाला है यहाँ पर 3,13,200 डिवाइड में
783 और डिवाइड करके यूनिट का कितना आएगा, 400 आ जाएगा, जो यहाँ पे यूज होगा 400 ट्रांसफर के लिए भी और एबनॉर्मल गेन के लिए भी। तो इसका इनटू करेंगे तो अमाउंट बन जाएगा 6800 और यहाँ अमाउंट बनेगा 320,000 और टोटल एक्सपेंसेस अब क्या बन जाएगा हमारा, इक्वल बन जाएगा 325,220। ये प्रोसेस भी हो गई कंप्लीट। इसके बाद क्या बनाना है, एबनॉर्मल गेन बनाना। आप जानते हैं कैसे बनाना, मेरे पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा सम्स पूरा कंप्लीट 2009 का। यही सम 2018 में पूछा गया, आप डाउनलोड कीजिएगा पेपर और जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको सम समझ में आएगा। कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे हमारा चैनल जल्दी जल्दी ग्रो हो सके। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।